सब्सक्राइबर्स हमने पूरे कर लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, बड़ों को नमस्ते, पहला छोटू को बहुत सारा प्यार। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से और अभी 10 बज रहा है। नहाना धोना हो चुका है, पापा आए हैं यहाँ पे करेला तोड़ने। मैंने कहा चलो आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं जल्दी। देखो पापा यहाँ पे करेले तोड़ रहे हैं, 3 करेले तो मिल गए। तो बढ़ाइए, देखो हमारे करेले। आजकल रोज करेले खाते हैं हम लोग, इतने लेके जा रही मैं। ये देखो करेले आ गए, करेले। देखो मम्मी क्या खा रही है यहाँ पे, थुप्पा थुप्पा थुप्पा। अरे वाह, तो डोंगे। ये देखो यहाँ पे भैया खाते हुए। डोंगा मेरा रखा है, पापा का खाया है। मुझे दीवू बुला रही है, मेरी दीवू बोलो। दीवू देखो उठ चुकी है, आज दीवी का हॉलीडे है और दीवू आज 10 बजे उठ रही है। चलो फिर आओ, चलो दीवू को उठाते हैं यहाँ से और दीवी को भी लेके जाते हैं गोदी में। आज सब पता है क्या खा रहे, मैगी का सूप पी रहे सब। हाँ सूप वाली मैगी खा रहे हैं सब लोग। अच्छा तुम क्या खाओगी? दीवू आ चुकी है हमारी उठ के, और देखो बोलो सबको गुड मॉर्निंग। दीवू क्या खाएगी बताओ, तुम भी मैगी खाओगी? चलो अब हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं। ये मेरा डोंगा देखो, पापा का डोंगा। नाम मात्र। चलो दीवी के लिए भी लेकर आते हैं। गाइस ब्रेकफास्ट करने के बाद अब आ गई हूँ मैं रूम पे और दीवी भी आ गई है मेरे साथ। फुल ऑन मजे हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या खा रही है। क्या खा रही हो ये? ये ना आजकल बहुत बिगड़ चुकी है, पता नहीं उल्टी सीधी चीजें क्या खाती है। मिलेंगे थोड़ी देर में क्योंकि मुझे थोड़ी एडिटिंग करनी है व्लॉग की, और नेगी जी जा रहे शॉप पे। तो गाइस देखो दीवू जो है उठने के बाद जिद कर रही है कि मुझे पापा के साथ शॉप पे जाना है, शॉप पे जाना है। तो इसको मैं रेडी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट करवाने के बाद, और इसके पापा की हो गई लेट दीवू के चक्कर में, क्योंकि दीवू ने जाने ही नहीं दिया, उनको पकड़ लिया। तो मतलब दीवू तब जाने देगी जब ये जब उठी नहीं रहती। तो दीवू को जल्दी से रेडी करते हैं, भेजते हैं इसके पापा के साथ शॉप पे। अच्छा है, ये अपने पापा को परेशान करेगी ना, मुझे नहीं करेगी, एडिटिंग भी नहीं करने दे रही दीवू मुझे। अच्छा है ना दीवू, जो हो गया। ये देखो भाई हमारी दीवू जो है पापा के साथ जाने के लिए एकदम कितनी हैप्पी हो रखी है। बाय दीवी। यह बाय बाय गाइस। तो अब बज गया है 4 और अभी मिल रही हूँ मैं आप लोगों से। हमारा लंच वंच हो गया है। ये देखो इसका आज पता नहीं क्या काम हो रहा है यहाँ पे, ये पता नहीं कहाँ से चेयर पर चेयर लगा के अपनी, और इसको टेबल बना के, और यहाँ पे बहुत सारा पानी का आइटम रखा है। ये जरूर आपने अपनी दिशु दीदी से सीखा है ना, देखना जरा, देख के बताना। टॉफी वाला चाय किसके लिए? अच्छा ये चाय किसके लिए बना रही हो? दीवी के लिए बना रही हो। टॉफी वाली कौन सी चाय? मेरी दीवू की बेबी यहाँ पे सो रही है देखो। क्या रोएगी? गाइस दीवू का तो ये काम चलता रहेगा। आज मम्मी को जुकाम लग चुका है और मम्मी जो है हमारी ब्लॉग देख रही है अपने फोन पे, आज का ब्लॉग देख रही है। तो मैं आ गई हूँ बाहर और जो है और सचिन जा रहे हैं शॉप पे, और इनके साथ साथ यहाँ पे देखे 2 बच्चे हमने। ये आज क्या ब्लैक ब्लैक बन के जा रहे हैं? हेलो हेलो, ये है ब्लॉगर यश, और ये देखो दोनों ब्लॉग कर रहे हैं, हम पहली बार 2 ब्लॉगर टकराए। हाँ, और आप भी ब्लॉगर यश को जरूर सब्सक्राइब करें, देखें उनको, और बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं। और ये देखो माही और यश दोनों एकेडमी जा रहे हैं।
ये तो नेशनल प्लेयर है, नेशनल प्लेयर ना, हाँ नेशनल प्लेयर है मार्शल आर्ट में। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। अभी इसके बाद कहाँ जाने वाला है, कितने इसको बेल्ट क्या क्या मिल गया, अवार्ड मिल चुके हैं, सब कुछ मिल चुका है इसको, ब्लैक बेल्ट मतलब सारे बेल्ट इसको मिल चुके हैं। इसको पता नहीं कौन सा बेल्ट मिला, ऑरेंज बेल्ट, ये ऑरेंज है। एक दिन मेरी बेल्ट नहीं मिल रही थी, मैंने ब्लैक वाली ली थी इसे। तो ये दोनों ब्लैक ब्लैक बन के एकेडमी जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो चलो बाय बाय सबको, बाय बाय चलो बाय बाय बाय। तो ये लोग चले गए हैं, अब हम भी जाते हैं अंदर, थोड़ी देर करते हैं रेस्ट। आज जो है मेरा भी है रेस्ट, हमारी दीवू का चल रहा है यहाँ पे, वही प्रोग्राम चल रहा है दीवू का। यार तुम कितना चाय बनाओगी आज? ये ना अब अपने पापा के साथ शॉप पे गई थी और ये लेकर आई है, देखो ये मतलब इतने चालू हो गए है ना। पहले तो इसने शॉप जाऊंगी पापा के साथ, पापा के साथ जैसी वहां गई बल ना, ये जैसी पहुंची कहती वो पापा मुझको भूख लग गई पापा, जबकि ब्रेकफास्ट करके गई थी। फिर अपने पापा को पूरा मार्केट घुमाया इसने और फिर जाके वो जेम्स का वो लेकर आई है, देखो टॉफी खा रही है नौटंकी। तो भाई दीवू का तो ये चलता रहेगा, पता नहीं कितनी देर तक चलता रहेगा, और थोड़ी देर करते हैं रेस्ट। मैं तो करती हूँ दीवू का, पता नहीं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके हे गाइस, 6:30 बज चुका है और अभी मैं चाय पी रही हूँ, वो भी बिस्किट के साथ। सबने चाय पी ली है, मैं ही बची हूँ, मैं थोड़ी ठंडी ठंडी चाय पीती हूँ। तो दीवू जो है दूध पी चुकी है और कैरी मेरा बिस्किट देखा ना इसने, कैरी मुझे भी बिस्किट खाना है, और यहाँ पे ये अपनी पेपा फैमिली से खेल रही है। देखो मैं अपनी दीवू के लिए लेकर आ गई हूँ बिस्किट, और पता है हमें राखी भी लेने जानी है, मैंने अभी तक राखी नहीं ली। और दीवू बांधेगी ना, इस बार दीवू यहीं पर है, और बार हम लोग हल्द्वानी में होते थे, इस बार दीवू किस किस को राखी बांधेगी बेबी? कौन कौन है आपके ब्रदर्स? आरू दद्दा है और छोटा बेबी है कोशु, और वो भी तो मुदित दद्दा, यक्षित भाई है ना, हाँ आरू दद्दा का बड़ा और बेबी का छोटा। ओके देखो 8:30 बज चुका है और आज है ट्यूसडे और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। आज हम कार से जा रहे हैं और हमारे साथ जा रही है मम्मी जो कि पीछे बैठी है, देखो। तो हम लोग जा रहे हैं, पिछली बार हम जा नहीं पाए थे तो इस बार हम जा रहे हैं, चलो। तो हम लोग आ चुके हैं दर्शन करके, तो अब हम सीधे जा रहे हैं घर को, फिर मिलते हैं आपको घर पे, क्योंकि यहाँ पे काफी अंधेरा है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर, अब रोटी बनाते हैं, खाना खाते हैं, चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से। हे गाइस, तो अब मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिल रही हूँ डिनर के बाद। डिनर विनर हमारा हो चुका है और 11 बजने वाला है, तो जो है अभी तक ब्लॉग का एंड हुआ नहीं है, और दीवू सोने का नाम नहीं ले रही, और पता नहीं क्या दवाई ढूंढ रही है उधर। देखो इसके लिए चाहिए आपको दवाई, दर्द हो गया, देखो भाई ध्यान रखती है, उसको पता नहीं कहाँ से याद आ गई मम्मा को दवाई लगानी है। इतना ध्यान क्यों रखती हो आप पापा का? अब मम्मा का तो हो गया, अब पापा का चल रहा, देखो लगा दी पापा का कहाँ पे आ रहा है, उसे स्कूटी से जो चोट लगी थी वो देखो पापा के लगा रही है। ए मेरा क्यूट बेटा, वाह देखो पापा, देखो तुम्हारी बेटी कितनी ध्यान रख रही है, देखो ऐसी होती है बेटियां। ए मेरा बाबू देखो, ओहो थैंक यू बेटा, थैंक यू तो बोला ही नहीं हमने, गुस्सा आ गया दीवू को कि पापा ने थैंक यू नहीं बोला। ओ माय गॉड देखो, ओ ये कैसे गुस्सा करती है आई आज है 9 अगस्त, 9 अगस्त मतलब हमारे दादा का बर्थडे होता है आज। किसका बर्थडे? मामा का। हमने वैसे तो फोन पे विश कर दिया, तो आपको पता ही हम व्लॉग में भी विश करते हैं, तो हम उनको विश करना चाहते हैं। चलो दीवू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू यू दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मामा बोलो वाह। अरे वाह, दीपू ने आज कर दिया है विश और हमें नहीं बोलने दिया है। हाँ। अकेले विश किया मामा को आज। हैप्पी बर्थडे मामा, बोल दो। ओके खुद ही थैंक यू। चलो ये भी ठीक है। जैसे कि आज ट्यूसडे है और आज फिर ट्यूसडे है, हमारा मतलब पता नहीं इत्तफाक ये हो जाता है पता नहीं कैसे। और हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, वो किस लिए बताओ? ख्वाहिश में 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। हाँ, और आज ही हुए वो, और हमारा 1K सब्सक्राइबर्स हमने पूरे कर लिए। तो आप चेक कर सकते हो हमारे दूसरे पेज में ख्वाहिश कलेक्शन के, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। यस, तो आज बहुत खुशी हो रही है और आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से हमने इसमें 1K किए हैं। तो इस चैनल पे भी जल्दी हम करेंगे, आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए और क्या, वो आप दे ही रहे। बस यही हम बोलना चाहते थे क्योंकि ट्यूसडे है, आज का दिन ये बताने के लिए खास था। ख्वाहिश में भी हम बोलेंगे ये चीज, पर अभी यहाँ पे बोल रहे हैं वहाँ, वो उसमें हम शॉप पे जाके बोलेंगे ना, वो थोड़ा प्रोफेशनल। इसलिए तो ब्लॉग में डेली लाइफ का बताते हैं, तो इसमें हर चीज हम आपसे शेयर करते हैं, अपनी खुशी जो भी है हमारा रोज का। तो इतनी बड़ी खुशी हमें मिली है तो वो भी हम आपसे शेयर करना चाहते थे। बस इसीलिए तो आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्यार दिया और इतना पसंद कर रहे हैं आप आजकल। तो और भी ज़्यादा मतलब रिस्पांस, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है आपका। तो आगे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए हमारे दोनों चैनल्स पे। यहीं पर करते हैं हम ब्लॉग को एंड, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो अगर आप लोगों को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कॉमेंट करना, कलर नहीं करना, कॉमेंट करना। तो चलिए बाय, तो चलिए बाय। अरे रुक जा, रुक जा, रुक जाना।